प्रॉमिस, आप लैपटॉप वाले अंकल को पनिश करोगे? बिल्कुल प्रॉमिस, एकदम प्रॉमिस। प्रणव, प्रणव तू घबराना मत, बुआ आ गई है ना, सब ठीक हो जाएगा। और मम्मी पापा? हाँ उत्तरा जी, हम तो मम्मी पापा से प्रणव को बाद में मिलाने वाले। सर, क्या मैं इसे अपने साथ अपने घर ले जा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल ले जा सकती है, लेकिन थोड़ी देर बाद। वो क्या है ना कि जिस अंकल ने हमारे प्रणव को तकलीफ दी थी ना, उसे हम पकड़ने वाले, उसे सजा देने वाले हैं। लेकिन उसके लिए उसका हमें स्केच बनवाना है और प्रणव हमारी मदद करने वाला है ना। रेडी, ले जाओ प्रणव को। चलो बेटा। उत्तरा जी, देखिए वंश और रोमा, इन दोनों की लाशें हमें एक बंद फैक्ट्री में से मिली। उन दोनों में से किसी का भी मोबाइल फोन हमें नहीं मिला वहां पर। क्या बता सकती हैं आखिरी बार आपने कब बात की थी उनके साथ? जी आज सुबह ही, जब वो पुणे के लिए निकले थे। उनका उनका कोई प्रॉपर्टी का काम था जिसके लिए वो अपने एडवोकेट मयंक से मिलने गए थे। तो इस बारे में किसी और को पता था कि वो पुणे जाने वाले थे प्रॉपर्टी डील के लिए? सबको ये बात पता थी, स्टूडियो में भी सब जानते थे कि वो सुबह पुणे के लिए निकलने वाले हैं। कैसा स्टूडियो? जी उन दोनों का एक डांस स्टूडियो है। उन दोनों की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी क्या? नहीं नहीं, उनकी उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मुझे मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कोई उन्हें क्यों मारना चाहेगा। अच्छा, क्या इस एडवोकेट मयंक का टेलीफोन नंबर या सेलफोन नंबर है आपके पास? हाँ मेरे पास उसका नंबर है। एडवोकेट मयंक, मैं इसे भी प्रतिबंध सीआईडी से बोल रहा हूं। एक बात बताइए, क्या वंश और रोमा आपके यहां पुणे आए थे किसी प्रॉपर्टी डील के लिए? कैसी प्रॉपर्टी डील? मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं उनके बारे में। क्या प्रॉपर्टी डील के लिए वो दोनों आने वाले थे आपके पास? आए थे क्या? हेलो हेलो हेलो, अरे कमाल है, फोन कट कर दिया। अजीब बात है। उत्तरा जी, एडवोकेट मयंक तो कह रहे हैं कि वो कोई प्रॉपर्टी डील के बारे में जानते नहीं। वो तो ये कह रहा था कि वंश और रोमा आने वाले नहीं थे उसके पास। नहीं नहीं, वो जाने वाले थे। तो फिर एडवोकेट मयंक ने ऐसा क्यों कहा? कहीं आप हमसे झूठ तो नहीं बोल रही हैं? नहीं नहीं, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही, मैं ये बात साबित कर सकती हूँ। आप लोगों को मालूम है कि वंश मेरा भाई है और आप लोग मुझ पर ये शक करें कि मैंने उसका खून। प्रणव बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ, बुआ अभी आती है। मम्मी पापा आने वाले क्या बुआ? बेटा तुम अपने कमरे में जाओ, मैं आती हूँ। हरी काका, भीम जी जरा हॉल में आइए। इन्हें बताइए कि वंश और रोमा आज सुबह कहाँ गए थे? उनकी तरफ नहीं, हमारे तरफ देख के बताओ। साहब, वंश साहब और रोमा मैडम पुणे गए थे अपने वकील से मिलने के लिए। सर, साहब बता रहे थे उन्होंने वहाँ कोई जमीन खरीदी है। सुना आपने? हाँ सुना, पर विश्वास नहीं हो रहा। सच सच बता रहे हो ना? हाँ, अगर झूठ बोला ना तो याद रखना। हम झूठ क्यों बोलेंगे साहब? भीम, तुम ड्राइवर? जी साहब, मैं वंश साहब का ड्राइवर हूँ। तो फिर गए क्यों नहीं तुम वंश साहब के साथ पुणे? पता नहीं साहब, आज पहली बार हुआ है साहब मुझे छोड़कर चले गए। तुम दोनों जा सकते हो। जी साहब। अच्छा साहब। उत्तरा जी, तुम्हें नहीं लगता कि वंश कुछ
छुपा रहा था? वो सब तो मैं नहीं जानती, पर अब आप लोग को मुझ पर तो यकीन हो गया ना? नहीं, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक तो कुछ बोला नहीं जा सकता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उस वकील मयंक, उसने आपसे फोन पे झूठ क्यों बोला? वही तो उत्तरा जी, पता लगाना है कि झूठ कौन बोल रहा है। सारंगी, हाँ, बड़ी देर की मेहरबान आते आते। भैया बड़े लोग देर से ही आते हैं। अच्छा पता, क्या पता चला? ये हाथ देखो बस। यार बंद मुट्ठी है, उस पर खून लगा है। खून तो है, लेकिन पेच ये है कि ये खून इस वंश का नहीं है, किसी और का है। किसी और का है मतलब? बस मरने से पहले वंश की खूनी के साथ जबरदस्त हाथापाई हुई। अच्छा, और इसीलिए ये मुट्ठी बंद है? बिल्कुल, और जब वंश का घूसा पड़ा खूनी पर तो उसका खून निकला कहीं से, और वो खून इस वंश की मुट्ठी पर आ गया। अच्छा संघ, वो जो लाल सिल्क का कपड़ा मिला था उसका क्या हुआ? तारिका? हाँ सर, उसकी डीएनए टेस्टिंग चल रही है, जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी। एक बात और बस। हाँ। मेरे साथ आइए। ये देखिए, ये 6 गोलियां जो वंश की बॉडी में से मिली हैं, और ये वो 5 गोलियां जो हमें रूमा की बॉडी में से मिली, और ये सारी की सारी बुलेट बहुत ही क्लोज रेंज से मारी गई। खूनी ने तो बिल्कुल जिंदा रहने का चांस ही नहीं रखा इनके लिए। बिल्कुल बॉस, ये लोग जब तक मर नहीं गए खूनी ने बराबर शूट करता। इन दोनों की मौत दोपहर के 11 से 12:30 बजे के बीच में हुई है। यार ये विन 115 ग्रेड की गोलियां हैं। एग्जैक्टली, सिल्वर टिप, JHP। गोलियां एक ही गन से चलाई है या? बस ये बताना बहुत ही मुश्किल काम है कि वहां पर एक ही गन थी या दो। सब मतलब खूनी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। लैपटॉप वाले के साथ कोई और भी था, जरूर कोई और भी था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, out, and in. डांसर के शर्ट्स तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे वो कपड़े का टुकड़ा मिला था हमें फैक्ट्री में से। अरे सर, आप लोग यहाँ? ये जो डांसर्स ने शर्ट पहन रखी है, ये इनकी अपनी है या आप लोगों ने दी है? जी हमने दी है। कल 11 से 1 बजे के बीच में आपके यहाँ से कोई डांसर गायब था? गायब तो कोई नहीं था, पर जिमी रिहर्सल पे देरी से आया था। ठीक हो? लगता है किसी ने जानबूझ के किया ही है। सर जरूर इसमें मानिक का ही हाथ होगा, वो चाहता ही नहीं हमारा शो चले। ये मानिक कौन है? सर वो सामने वाले स्टूडियो का मालिक। और आप कौन है? सर ये जय और कोयना हमारे शो के जजेस हैं। इस मानिक से तो हम बाद में मिलेंगे, पहले इस जिमी से तो निपट ले। कहाँ है जिमी? सर अभी तो वो यहाँ नहीं है, पर वो रात को रिहर्सल पे जरूर आएगा। ठीक है, रात को ही मुलाकात करते हैं। और हाँ, अगर आप में से किसी ने उसे ये बताया कि CID यहाँ पे आई थी तो
एक्सक्यूज मी, हम एडवोकेट मयंक से मिलना चाहते हैं, हम सीआईडी से हैं। वो मयंक, मेरा मतलब है मयंक सर ऑफिस में नहीं है, शहर से बाहर गए हैं किसी काम से। शहर से बाहर गए? और मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ। कहाँ गए, कहाँ है एडवोकेट मयंक? पता नहीं सर, बताकर नहीं गए। अरे बड़ी अजीब बात है, आप उनकी सेक्रेटरी है और सर ने आपको बताया नहीं, है ना बड़ी अजीब बात। खैर चलो कोई बात नहीं, मयंक रोमा और वंश के केसेस देखता है, तो उन केसेस के बारे में जो भी कागजात है हम देखना चाहते हैं। सॉरी सर, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। आपको कुछ नहीं पता? एडवोकेट मयंक कहाँ गए ये भी आपको नहीं पता, वो किस काम से गए ये भी आपको नहीं पता, तो फिर आपको पता क्या है? यहाँ पर जितने भी ड्रॉर्स हैं ना, उन सबकी चाबियां चाहिए हमें, हम खुद देख लेंगे हमें क्या चाहिए वो। सर वो चाबी, वो चाहिए हमें, मैं आपको देती हूँ। हाँ पूर्वी इनके साथ जाओ। सर विवेक, बाकी की फाइल्स चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। वो लड़की तो फ्रॉड निकली, उसने मुझे धक्का दिया और वहां से भाग गई। तो ये तुम्हें उसके साथ हाथापाई में लगा? हाँ। इसका मतलब है वो लड़की हमारी जैसी कुछ ढूंढने आई थी, कुछ तो ढूंढने आई थी।